हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 17 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जो एंगल वाई है उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री दी हुई है। व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल वाई मेक? आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो वाई एंगल की मेजरमेंट दी हुई है और एक्स और वाई की कौन से टाइप की पेयर बनेगी हमें पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत इजी है। देखो अभी यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एंगल की जो एडिशन होती है वो 180 डिग्री होती है, ये आपको तो मालूम ही होगा। नहीं है तो मैंने अभी बता दिया ना। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर एंगल एक्स प्लस मेजर एंगल वाई प्लस मेजर एंगल जेड, ये तीनों एंगल है ट्रायंगल के। ओके, तो देखो यहाँ पे, देखो ये ट्रायंगल है, इसका ये वाई एंगल, ये एक्स एंगल और ये जेड एंगल। तो ये ट्रायंगल का कौन सा भी ट्रायंगल हो उसकी तीनों एंगल की अगर हमने एडिशन की वो हमारी ऑलवेज 180 डिग्री आती है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ब्रैकेट में, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास y एंगल की मेजरमेंट दी हुई है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देयरफोर मेजर एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी 90 डिग्री यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर वो माइनस हो जाएगा, उसको हम उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। सो मेजर एंगल x यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल z, ये कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देयरफोर मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों की पेयर एडिशन क्या आ गई, 90 डिग्री। कौन से काइंड के एंगल की पेयर 90 डिग्री आती है? कॉम्प्लीमेंट्री काइंड के पेयर के एंगल 90 डिग्री आते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल x एंड एंगल z आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की ये पेयर है एंगल x एंड एंगल z। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द टू एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल। यहाँ पे हमें टू एंगल की मेजरमेंट निकालनी है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एंगल का जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री दिया हुआ है और हमें टू एंगल की मेजरमेंट्स निकालनी है। तो यहाँ पे हम मेजर्स ऑफ वन एंगल इज एक्स कंसिडर करते हैं, उसमें दो एंगल है ना, वन एंगल की मेजरमेंट हम एक्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट द मेजर्स ऑफ वन एंगल बी एक्स डिग्री। ओके, वन एंगल के मेजरमेंट एक्स लिखी हमने, एक्स डिग्री लिखी। देयरफोर मेजर्स ऑफ अदर एंगल एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 40।
उन्होंने वहाँ पे डिफरेंस दिया है, डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 40 आता है, पर वो डिफरेंस 40 कब आएगा, जब हम फर्स्ट एंगल के मेजरमेंट में डिफरेंस ऐड कर देंगे ना, तब वो सेकंड एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी, इसलिए हमने x प्लस 40 लिखा है यहाँ पे सेकंड एंगल के मेजरमेंट। ओके, x प्लस 40 डिग्री, तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल है x डिग्री, सेकंड एंगल है x प्लस 40 डिग्री, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की है। ओके, सीन्स the two angle are complementary, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पे देखो, ये है x डिग्री प्लस, लेते हैं x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, ब्रैकेट को खोलने के बाद x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अभी ये 40 डिग्री यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इन दोनों की x प्लस x सेम ही है, उनकी एडिशन हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 किया तो यहाँ पे 50 रह जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ पे रहेगा, ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा उस साइड में, तो x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा उसको। तो देखो, 2 1 2, 2 2 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 10, तो x डिग्री कितना आ गया, x डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई 25 डिग्री। अभी हम ये x कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल है, और सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा, x प्लस 40, तो कितना x कितना है 25 प्लस 40 की एडिशन की तो हमें सेकेंड एंगल की वैल्यू मिल जाएंगी। Therefore, x प्लस 40 इज इक्वल टू 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं दोनों भी एंगल के मेजरमेंट, द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज पहले की है 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे रेक्टेंगल PTNM इज रेक्टेंगल, राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल के सभी एंगल्स यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर राइट करनी है। तो ये रेक्टेंगल का हर एक एंगल यहाँ पे देखो, राइट एंगल दिख रहा है, यस, सो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, ये 90 प्लस ये 90 दोनों के एडिशन 180 आ जाएगी, यानी कि इस रेक्टेंगल की कौन सी भी दो एंगल की हमने पेयर बनाई वो सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर हो जाएगी ना। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं, एंगल पी एंड एंगल टी ये एक पेयर हो जाएगी, एंगल टी एंड एंगल एन, एंगल एन एंड एंगल एम, एंगल एम एंड एंगल पी ये भी पेयर हो जाएगी, उसके बाद एंगल पी एंड एंगल एन, ओके, ये भी पेयर हो जाएगी, उसके बाद देखो एंगल टी एंड एंगल एम, ऐसी हमारे टोटल 6 पेयर हो जाएगी। ओके, तो देख लेते हैं, पहले हम ऐसे फर्स्ट के साथ इस सेकेंड, सेकेंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ ही फोर्थ वाली, उसके बाद फर्स्ट के साथ थर्ड और सेकेंड के साथ फोर्थ, ये भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट पेयर हमें मिल जाएगी, है ना इजी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ओके, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज
90 डिग्री. ओके, देयरफॉर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंगल, यहां पे हम पहली पेयर राइट कर लेते हैं, एंगल पी एंड एंगल टी. एंगल पी एंड एंगल टी, अभी एंगल टी एंड एंगल एन, एंगल टी एंड एंगल एन. थर्ड पेयर, एंगल एन एंड एंगल एम, एंगल एन एंड एंगल एम. फोर्थ वन पेयर, यहाँ पे एंगल एम एंड एंगल पी. फिफ्थ वन पेयर, एंगल पी एंड एंगल एन. ओके, एंगल पी एंड एंगल एन. अभी एंगल टी एंड एंगल एम, एंगल टी एंड एंगल एम. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए. तो यहाँ पे मेजर एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री, उसका हमें पहले कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है. ए का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा ना, उसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है. तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सबको समझा दूंगी. तो यहाँ पे हम पहले आंसर करेंगे आंसर. तो यहाँ पे हम इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स कंसिडर करते हैं और एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल हम वाई कंसिडर करते हैं. ओके, आया समझ में? ए का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम एक्स कंसिडर करते हैं और एक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा ना, उसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है, उसको हम वाई कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी एक्स डिग्री. एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स डिग्री है. एंड द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल बी वाई डिग्री. और उस कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट्री एंगल हमने, इस एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल हमने वाई कंसिडर किया है. तो यहाँ पे देखो, मेजर एंगल ए हमको दिया हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमने ए एक्स कंसिडर किया है. कॉम्प्लीमेंट एंगल की एडिशन 90 डिग्री रहती है. तो मेजर एंगल ए 70 दिया है हमें, तो यहाँ पे हम 70 पुट कर लेते हैं. ओके, 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 70, तो एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री. यानी कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है 20 डिग्री, वो हमें मिल गया. अभी इसी 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है और वो हमने वाई कंसिडर किया है. सीन्स एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल है. तो सप्लीमेंट्री एंगल की एडिशन 180 डिग्री रहती है. देयरफॉर एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं. 20 प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री. इस 20 को उसमें शिफ्ट कर दिया तो वो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वाई रहेगा. वाई इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 160 डिग्री वैल्यू आ गई। ओके तो यहाँ पे हमें a डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री मिल गया और उस कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमें 160 मिल गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, देयर फोर द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ए इज 160 डिग्री। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मेजर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट वुल बी मेजर एंगल ए। ए एंगल एंड बी एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल बी की मेजरमेंट दी हुई है, हमें ए की एंगल ए की मेजरमेंट निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीन्स ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सप्लीमेंट्री एंगल की एडिशन 180 डिग्री रहती है। सो मेजर एंगल बी दिया हुआ है, देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हम ये 20 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, उसको उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो मेजर एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 160 डिग्री। अभी मेजर एंगल ए की वैल्यू निकालने, तो एक्स को भी उस साइड में शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 160 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ओके ये एक्स भी डिग्री में ही है, ब्रैकेट के बाहर निकालने के बाद उसके इंडिविजुअल पे डिग्री साइन आ जाएगा। यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ए इज 160 माइनस एक्स डिग्री। ओके ये किसके इक्वल है, 160 माइनस एस डिग्री के इक्वल है। ओके आया समझ में। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।